हेल्दी और ग्लोइंग स्किन की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन इसके लिए सही डाइट और स्किन केयर रूटीन होना भी बहुत जरूरी है। अपनी बिजी लाइफ के साथ पोषण पर ध्यान तो दिया जा सकता है, लेकिन स्किन केयर रूटीन बरकरार रखना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग फेशियल करवाना ज्यादा बेहतर मानते हैं, जिससे स्किन केयर स्किप होने पर भी त्वचा पर निखार बना रहे। फेशियल पर बढ़ते ट्रेंड के साथ ही लोगों में फोटो फेशियल का क्रेज भी काफी बढ़ गया है। मशीन की सहायता से किया जाने वाला ये लेजर फेशियल स्किन पर गहराई से काम करता है। इस फेशियल का असर लंबे समय तक रहने के कारण लोग बार बार फोटो फेशियल करवाना सही मानते हैं, लेकिन क्या ये सच में स्किन के लिए सुरक्षित है? तो आइए जानते हैं हम आज इस वीडियो में कि क्या फोटो फेशियल हमारे स्किन के लिए जरूरी है और क्या है फोटो फेशियल। पहले जानते हैं फोटो फेशियल क्या है। फोटोफेशियल एक ऐसा स्किन केयर ट्रीटमेंट है जिसमें आर्टिफिशियल लाइट के जरिए स्किन की अंदरूनी कोशिकाओं का ट्रीटमेंट किया जाता है। लेजर लाइट के जरिए किए जाने वाले इस ट्रीटमेंट में लाइट को पेनिट्रेट किया जाता है। इसका असर 4 से 6 सप्ताह तक रहता है, जिसके कारण ये सबसे फेमस फेशियल्स में से एक है। फोटोफेशियल क्यों है इतना फेमस? फोटोफेशियल करवाने के बाद लंबे समय तक स्किन में निखार बना रहता है। ये फेशियल खासतौर पर डार्क स्पॉट्स, झुर्रियां, सन स्पॉट्स, डल स्किन, पिगमेंटेशन से राहत पाने के लिए किया जाता है। फोटोफेशियल रेड ब्लड सेल्स और मेलानाइन द्वारा सोख लिया जाता है, जो डैमेज स्किन को हील करने में मदद करता है। क्या फोटोफेशियल करवाना सेफ है? जिस प्रकार सभी चीजों के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, उसी तरह फोटोफेशियल के नुकसान भी देखे गए हैं। फोटोफेशियल ज्यादा करवाने के कारण सेंसिटिव स्किन वालों को चेहरे पर रेडनेस हो सकती है। इसके अलावा स्किन में गर्माहट, झंझनाहट, निशान नजर आने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं अगर सही जगह से फेशियल ना कराया जाए या सही क्वालिटी की चीजें इस्तेमाल ना हो तो इससे कई स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि स्किन टाइप को समझकर और डॉक्टर की सलाह पर ही फोटोफेशियल करवाएं। फोटोफेशियल करवाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है, जिससे स्किन प्रॉब्लम के जोखिम को कम किया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।